असुद्दीन ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को सुन्नी मुस्लिम परिवार में सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी और नजमुन्नेसा बेगम के यहाँ हुआ था। वह हैदराबाद के एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके दादा अब्दुल वाग ओवैसी ने राजनीतिक दल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में 18 सितंबर 1957 में दोबारा शुरू किया। जेल से रिहा होने के बाद भी वह पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कासिम राजवी का पद संभाला। उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन 1962 में आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। 1984 में पहली बार हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय संसद के लिए चुने गए और 2004 तक चुनाव जीतते रहे। जब उन्होंने असुद्दीन के पक्ष को पद छोड़ दिया तब 2008 में उनका निधन हो गया। असुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के निजाम कॉलेज उस्मानिया विश्वविद्यालय से कला में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने 1994 में विजी ट्रॉफी में तेज गेंदबाज के रूप में दक्षिण क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय अंडर 1925 के क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया और बाद में दक्षिण क्षेत्र विश्वविद्यालय टीम में चुना गया। वह पेशे से एक बैरिस्टर है और लंदन के लिंकन इन के अध्ययन करते हैं। उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना विधानसभा के सदस्य है और इसमें पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। उनका सबसे छोटा भाई बुरहानुद्दीन ओवैसी इटमाद के संपादक है। ओवैसी की शादी फरहीन ओवैसी से हुई। दंपति के 6 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा 5 बेटियां खुदशिया ओवैसी, यास्मीन ओवैसी, अमीना ओवैसी, महेन ओवैसी और अतिका ओवैसी शामिल है। वह हैदराबाद के शास्त्रीपुरम मिलद्रवापल्ली में रहते हैं। उनकी सबसे बड़ी बेटी खुदशिया ओवैसी की 24 मार्च 2018 को नवाब शाह आलम खान पैतृक और डॉक्टर मोइनुद्दीन खान सांडजवाई मातृपक्षीय पक्ष के पोता बरकत आलम खान से सगाई हुई थी। उनकी दूसरी बेटी डॉक्टर यास्मीन ओवैसी की शादी सितंबर 2020 में द सियासत डेली के संपादक जाहिद अली खान के चचेरे भाई डॉक्टर आबिद अली खान से हुई थी। वह उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में निपुण है। उनके समर्थकों ने उन्हें नाकिब ए मिलत समुदाय का नेता के रूप में स्वागत किया। ओवैसी को कट्टरपंथीय हिंदुत्व विचारधारा वाले संगठन अक्सर अपनी आलोचना का शिकार बनाते रहते हैं और उन्हें परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं और कई बार उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर हमले भी हो चुके हैं। उनकी राजनीति के कारण समाचार मुख्यतः मुसलमानों और दलितों जैसे अल्पसंख्यकों के बीच केंद्रित रहते हैं। ओवैसी ने अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ सन 2005 में मेढ़क जिला कलेक्टर के हाथों से निपटने के आरोपों के लिए मामला दर्ज किया था। 20 जनवरी 2013 को उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और बाद में संगारेड्डी जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। 16 अप्रैल 2005 को मेढक जिले में सड़क चौड़ा करने के वाली परियोजना के लिए एक मस्जिद के विध्वंस के खिलाफ AIMIM के विरोध से संबंधित मामला, जहां पुलिस ने अपराधों, दंगों और धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने सहित विभिन्न आरोपों के तहत उन्हें बुक किया। असुद्दीन ओवैसी के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी वो हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। मैं अर्जुन चौहान यहाँ पे रुकता हूँ। मिलेंगे ऐसे ही हटके एपिसोड के साथ। तब तक आप देखते रहेगा अपना मनपसंद चैनल लोक प्रधान न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद। उपलब्ध 1500 रुपयाचे लोटस गोल्ड फेशियल
99 मध्य है। 700 रुपये की स्पा फक्त 499 मध्य है। 500 रुपये की लोरियल हेयर कलर फक्त 399 मध्य है। 300 ची मैट्रिक हेयर कलर फक्त 249 मध्य है। 200 ची अदर हेयर कलर फक्त 149 मध्य उपलब्ध। आणि हे पैक मशासाठी फक्त आणि फक्त 299 मध्ये उपलब्ध। सध्याची ऑफर ही लेडीज व जेंट्स यामध्ये चालू। लिमिटेड पीरियड ऑफर फक्त 18 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर पर्यंत। या ऑफर नंतर ही लग्नाचे टोटल पॅकेज लेडीज आणि जेंट्स एकत्र आले तर आणखीन जास्त डिस्काउंट। लग्न, साखरपुडा, हळदी, रिसेप्शन यासाठी ही स्पेशल सवलत मिळणार आहे। तर वेळ कशाला घालवता, आजच आपल्या रुपम सलून व रुपम ब्युटी पार्लरला एकदा अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता ब्रँच 1, शॉप नंबर 11-12, मंत्री चंडक विहार, आसरा चौक, खोटकी रोड, सोलापूर। मोबाईल क्रमांक 98-22-80-40-42, 89-99-16-61-70। ब्रँच नंबर 2, शॉप नंबर 2-3, रुपम हेअर कोर्ट ऑपोजिट गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक, पीआयटी रोड, सोलापूर। संपर्क 88-05-05-06-11, 27-14-11-8-68 वर संपर्क साधा।